वेलकम टू द चैनल आरबी फंटासी 7। आज के शुरू में हम बात करने वाले वुमेन्स एनबीए का जो सेमीफाइनल मैच खेला जाने वाला है मिनेसोटा लाइनिंग्स वर्सेस कनेक्टिकट सुन्स के बीच में। इस वीडियो में आपको ग्रैंड लीग की टीम मिलेंगे और उसके साथ साथ स्मॉल लीग की टीम भी मिलेंगी। ग्रैंड लीग की टीम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये सेमीफाइनल मैचेस है, सेमीफाइनल मैचेस में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होते नहीं है तो ग्रैंड लीग विनिंग चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको ग्रैंड लीग की टीम भी दे दूंगा। सबसे पहले आज के मैचेस की इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो फाइनल टीम और फाइनल अपडेट रहेंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने आपको ऑलरेडी देकर रखी है, कमेंट बॉक्स में जाकर लिंक चेकआउट कर लेना कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना क्योंकि सारे अपडेट्स आपको वहीं मिलेंगे आफ्टर लाइनअप। तो बात करेंगे आज के मैचेस के बारे में। सबसे पहले दोनों टीम में अगर कंपैरिजन करें तो आज का मैच जो है तो दोनों टीम के लिए इंपॉर्टेंस है। दोनों टीम के लिए इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि सेमीफाइनल मैच इसकी बेस्ट ऑफ 5 सीरीज चल रही थी। बेस्ट ऑफ 5 सीरीज सिंपली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, 5 मैचेस दोनों टीम के बीच में होने वाले थे। जो टीम 3 मैचेस विन करती वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करती। दोनों टीम के बीच में अभी तक 4 मैचेस हुए सेमीफाइनल के और 4 मैचेस में दोनों टीम ने यहाँ पर 2-2 मैचेस विन कर लिए। तो आज का मैच डिसाइडर मैचेस है, जो टीम यहाँ पर ये मैच विन करेंगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे और फाइनल खेलेंगे न्यूयॉर्क लीग के साथ जो लॉस वेगस आइस को हरा कर फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है। तो आज के मैच इसके लिए विनिंग चांसेस की अगर बात करें तो मिनेसोटा लाइनर्स के पास विनिंग चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज का मैच ये टीम अपने होम में खेल रही है, ये इनके लिए प्लस पॉइंट है और इस टीम की 3-पॉइंटिंग शूटिंग बहुत अच्छी है। कनेक्टिकट सुन्स का डिफेंस अच्छा है लेकिन 3-पॉइंटिंग शूटिंग इनकी थोड़ी सी वीक है। बोनर और मरीना मेमरी को छोड़ दे तो बाकी प्लेयर की तरफ से 3-पॉइंटिंग शूटिंग से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। लास्ट मैचेस में और एक प्लेयर है जो आर क्रेडिट के प्लेयर है, एज अ स्टार्टर के लिए थी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया था। बात करेंगे आज के मैचेस के बारे में और ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग टीम के बारे में। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो लाइनअप दोनों टीम की तरफ से शॉर्ट लॉट में आपको यहाँ पर मैं लाइनअप बता देता हूँ। मिनेसोटा की तरफ से सेम लाइनअप, मैकब्रिज, कोर्टी विलियमसन स्टार्ट करेंगे पॉइंट गार्ड और शूटिंग गार्ड पोजीशन से, अलिना स्मिथ स्मॉल फॉरवर्ड पावर फॉरवर्ड पोजीशन से, कोलियर और सेंटर पोजीशन से स्टार्ट करते हुए देखने को मिलेंगे आपको ब्रिज कार्लाटोन। ये इस टीम की तरफ से स्टार्टिंग लाइनअप। टीम की मेन प्लेयर है कोलियर। आज का मैच ये टीम अपने होम में खेले तो कोलियर आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस रहेंगे और बेस्ट कैप्टनसी ऑप्शंस भी रहेंगे, तो आप उनको अपनी टीम में पिक कर कैप्टन बना दीजिए। बाकी सारे ऑप्शन जो रहेंगे वो ग्रैंड लीग के लिए वाइस कैप्टनसी चॉइस के लिए ऑप्शंस रहेंगे। ग्रैंड लीग में अगर आप ट्राई कर रहे हो तो रोटेट कर आप वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस ट्राई कर लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर अगर यहाँ पर मैं बता दूँ कोहली इंपॉर्टेंट है। ब्रिज कार्लाटोन मुझे इतने क्रेडिट में बहुत अट्रैक्टिव और इंपॉर्टेंट प्लेयर लग रहे हैं। इसका रीज़न ये भी है कि ये 3-पॉइंटर शूटर है। अलिना स्मिथ इनके क्रेडिट बहुत ज़्यादा है, ब्रिज कार्लाटोन इनके क्रेडिट थोड़े से कम है और दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो ज़्यादा फर्क नहीं है। अलिना स्मिथ जो तो आपको थोड़े बहुत स्टील और ब्लॉक के चलते एक अच्छे पॉइंट देकर चले जा रहे, ब्रिज कार्लाटोन जितनी इनकी अच्छी शूटिंग है पिछले 8 मैचेस का अगर कंपैरिजन करें तो ब्रिज कार्लाटोन की शूटिंग अलिना स्मिथ से बेटर रहे, तो यहाँ पर ब्रिज कार्लाटोन आपके लिए एक डिसेंट सी चॉइस मुझे आज के मैचेस में लग रहे जो कि सेंटर पोजिशन से अवेलेबल हो जाएंगी। बाकी कोर्टी विलियमसन लास्ट मैचेस का परफॉर्मेंस आप इस प्लेयर का चेक कर लेना। स्टार्टिंग में इन्होंने फाउल बहुत ज़्यादा कर दिए थे, उसके चलते यहाँ पर इनकी जगह पर नताशा हेरमैन को टाइम मिला था। अगर कोर्टी विलियमसन फाउल ना कर दे तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस रहेंगी। इनको भी आप स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए ट्राई कर लेना। ग्रैंड लीग के लिए आपके लिए मैकब्रिज बहुत अच्छे प्लेयर है। फिलहाल स्मॉल लीग के लिए जो ट्रस्टेड प्लेयर है वो है यहाँ पर कोलियर, उसके बाद ब्रिज कार्लाटोन और कोर्टी विलियमसन। इन तीनों प्लेयर पर आप फोकस रख लेना स्मॉल लीग के लिए। ग्रैंड लीग के लिए आपके लिए अनिना स्मिथ और मैकब्रिज ये दोनों प्लेयर रहेंगे। बैन से अगर बात करें तो बैन से और एक प्लेयर है जो अच्छी प्लेयर आपके लिए हो सकती है, वो है मतीस हाइनालिन। लास्ट मैचेस में थोड़ा सा कम टाइम मिला था क्योंकि इस प्लेयर ने भी बहुत ज़्यादा फाउल कर दिए थे, 3 फाउल कर दिए थे जस्ट यहाँ पर 5 मिनट खेलकर। उसके बाद नतीश हेडमैन जो लास्ट मैचेस में अच्छा टाइम खेले क्योंकि कोर्टी विलियमसन की तरफ से फाउल आए थे। अगर कोर्टी विलियमसन की तरफ से परफॉर्मेंस भी अच्छा आता नहीं तो इस प्लेयर को अच्छा टाइम मिलने के चांसेस रहेंगे, तो इनको भी आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। डार्क जियोन्जो इनको टाइम मिला है और पावर फॉरवर्ड से पोजीशन से जनलेसिन को यहाँ पर टाइम मिला है। तो ये कुछ बेंच प्लेयर है जिनके यहाँ पर एज अ रोटेशन प्लेयर यहाँ पर ये टीम यूज़ करती है। तीन पर आप फोकस रख सकते हो ग्रैंड लीग स्मॉल लीग के लिए क्योंकि क्रेडिट्स और ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अभी ये तो हुआ मिनेसोटा। सेकंड साइड वाली कनेक्टिकट सुन्स की तरफ से एक चेंजेस लास्ट मैचेस में था। टायस हैरिस यहाँ पर स्टार्ट करी थी मरीना मेमरी की जगह पर, इससे पहले भी यहाँ पर ये एज ए स्टार्टर ही खेला करती थी लेकिन इंजरी के चलते कुछ मैचेस यहाँ पर खेले नहीं। डीजे कैरिंगटन खेली थी यहाँ पर एज ए शूटिंग गार्ड पोजिशन से, बोनर स्मॉल फॉरवर्ड पावर फॉरवर्ड पोजिशन से, अलिसा थॉमस और सेंटर पोजिशन से आपको खेलते हुए देखने को मिलेंगे बेनरी जॉन्स। लास्ट मैच ये टीम ऑलमोस्ट हारी थी लेकिन थायस हैरिस ने बहुत अच्छा कमबैक किया था क्योंकि इनके थर्ड क्वार्टर में 3-पॉइंटिंग शूटिंग बहुत अच्छी रही थी, उसके चलते इस टीम ने एक क्लोज मार्जिन वाले मैच को अच्छे खासे मार्जिन के चलते विन किया है
पांच उन्होंने 3-पॉइंट शूटिंग ट्राई की थी जिसमें से 3 कनेक्ट हो गई थी, तो उस सॉरी 4 कनेक्ट हो गई थी, तो उसके चलते यहाँ पर उन्होंने 12 पॉइंट दिए थे, इसके चलते यहाँ पर ये टीम विन करे। तो हैरिस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था और हैरिस का रोल भी लास्ट मैचेस में इंपॉर्टेंट रहा था। इनको आप अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। अभी यहाँ पर लो क्रेडिट के 2 प्लेयर आपको मिलेंगे जो कि एज अ स्टार्टर खेलते हुए देखने को मिलेंगे। एक तो हैरिस लास्ट मैचेस में अच्छा कर आ रहे हैं और वेयरनरी जॉन्स पिछले 4 मैचेस में एक ही मैच है जहां पर इनकी तरफ से परफॉर्मेंस आए। इनकी तरफ से परफॉर्मेंस ना आने का रीज़न ये भी है क्योंकि सामने वाले टीम का जो डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और स्पेशली यहाँ पर सामने वाले टीम जो है तो यहाँ पर इनकी वीकनेस पर डिफेंस करे, यानी इस टीम की यहाँ पर 3-पॉइंट शूटिंग वीकनेस है और इस टीम की जो फ्रंट कोर्ट की शूटिंग है वो बहुत अच्छी है। तो फ्रंट कोर्ट की शूटिंग को इन्होंने अच्छा डिफेंस कर रखा है, उसके चलते वेयरनरी जॉन्स की तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा क्योंकि वेयरनरी जॉन्स की स्ट्रेंथ नहीं है 3-पॉइंट शूटिंग। ये डबल डबल अच्छी कर लेते यानी 2-पॉइंट शूटिंग अच्छी कर लेते, लेकिन यहाँ पर 3-पॉइंट शूटिंग इनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं, उसके चलते परफॉर्मेंस आया नहीं। इससे पहले यहाँ पर जो सेमीफाइनल के लिए मैचेस क्वालिफाई कर मैचेस होने वाले थे उसमें यहाँ पर इस प्लेयर की तरफ से परफॉर्मेंस अच्छा आया था क्योंकि वहाँ पर सामने वाले टीम का जो था वो फ्रंट कोर्ट का डिफेंस इतना अच्छा नहीं था। यही रीज़न है कि पिछले 4 में से यहाँ पर इस प्लेयर की तरफ से 3 ही मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस आया। लास्ट मैचेस भी अगर यहाँ पर देखेंगे तो टाइम भी इनको ज़्यादा मिला नहीं था क्योंकि यहाँ पर 3-पॉइंट शूटिंग इनकी बहुत ज़्यादा बिकी। तो जो प्लेयर 3-पॉइंट शूटिंग अच्छी कर लेती है उस प्लेयर की तरफ से परफॉर्मेंस आएगा। अब यहाँ पर 3-पॉइंट शूटिंग आप कहेंगे कि एलिसा थॉमस की भी अच्छी नहीं, एक भी शॉट यहाँ पर ये 3-पॉइंट शूटिंग से लेती नहीं, लेकिन अलीसा थॉमस की जो स्ट्रेंथ है वो है यहाँ पर बॉल हैंडलर और गेम को चलाते हैं, उसके चलते यहाँ पर ये रिबाउंड भी कलेक्ट कर देंगी, असिस्ट भी कलेक्ट कर देंगी और शूटिंग में भी फ्रंट कोर्ट से इनकी बॉडी फोर्स बहुत अच्छी होती है, यहाँ पर डबल डबल शॉट भी लेती, कैसा भी डिफेंस हो ये उसको ब्रेक करना जानती है। तो अलीसा थॉमस इसीलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट और वाइस कैप्टन की चॉइस के लिए अच्छी चॉइस रहेंगी। उसके बाद बोनर 3-पॉइंट शूटर है, कैरिंगटन 3-पॉइंट शूटिंग कर लेते, ताइस हैरिस 3-पॉइंट शूटिंग कर लेते, तो सारे प्लेयर आपके लिए स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी यहाँ पर स्मॉल लीग के लिए और एक प्लेयर है जो कि यहाँ पर बैन से खेलेंगे देखने को मिलेंगे, मरीना मेमरी। लास्ट मैचेस में परफॉर्मेंस आया नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, लेकिन अगर यहाँ पर आप टाइम देखेंगे तो बहुत अच्छा टाइम मिला था, तो इस प्लेयर पर भी आप फोकस रख सकते हो। और एक प्लेयर है विक्टर बोर्टून, यही दोनों प्लेयर है जिनके यहाँ पर रेगुलरली पिछले 2 मैचेस से एज यहाँ पर रोटेशन प्लेयर यूज़ कर रहे, तो इस टीम की तरफ से यही दोनों प्लेयर है जिनको बैंक से यूज़ किया जाएगा। नेल्सन ओडा बिल्कुल भी टाइम लास्ट मैच में मिला नहीं था, एक ही मिनट मिला था, वो भी मैच यहाँ पर लास्ट के 1 मिनट में इनको टाइम मिला था क्योंकि यहाँ पर मैच सामने वाली टीम विन नहीं कर सकती थी, उसके चलते इनको टाइम मिला ही। अभी ये तो हुआ दोनों टीम की तरफ से टोटल एनालिसिस। अभी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ मेरी स्मॉल लीग की टीम, स्मॉल लीग की जो टीम रहेंगी वहाँ पर मैंने जो दोनों टीम की तरफ से मेन प्लेयर है उनको अपने टीम में रखा है, कैप्टन वाइस कैप्टन बना दिया है। ब्रिज कार्लटन एज ए सेंटर पोजिशन प्लेयर मैंने यहाँ पर लिया, मतिस हैनालिन लास्ट मैचेस में परफॉर्मेंस आया नहीं है लेकिन यहाँ पर आज का मैचेस में परफॉर्मेंस दे सकती है, 10-12 मिनट यहाँ पर ये प्लेयर अगर खेल भी गई तो रिबाउंड और पॉइंट के चलते एक डिसेंट सा परफॉर्मेंस देकर चली जाती है। बैन से यहाँ पर नतीस हेडमैन को लिया है, एक तो लास्ट मैचेस में परफॉर्मेंस आया और अगर यहाँ पर आज भी कोर्टी विलियमसन की तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आता तो शूटिंग में ठीक ठाक कर सकती है, बॉल हैंडलर प्लेयर है, बॉल हैंडलर प्लेयर एक भी है विक्टर बोर्टून, तो ये भी अच्छा कर देती है। ताइस हैरिस लास्ट मैच में इंपॉर्टेंट नहीं थे, डीजे कैरिंगटन एज अ स्टार्टर खेले थे और बहुत अच्छा टाइम खेले थे। अभी यहाँ पर क्रेडिट इशू के चलते यहाँ पर मैंने कुछ बैंच प्लेयर को ट्राई किया है, विक्टर बोर्टून जो कि रेगुलरली परफॉर्म दे रही है, नतीस हेडमैन भी रेगुलरली परफॉर्मेंस दे रहे और उसके बाद मतीस हैनालिन एक प्लेयर है जो भी यहाँ पर रेगुलरली एक डिसेंट सा परफॉर्मेंस दे रहे एक्सपेक्ट लास्ट मैचेस। 3 बैंच प्लेयर है, तीनों अच्छे प्लेयर है और तीनों यहाँ पर शूटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी तीनों प्लेयर के पास, उसके चलते मैंने इन तीनों को अपनी टीम में रखा है। बाकी जो प्लेयर है वो सभी स्टार्टर और इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कैरिंगटन आपको अच्छा टाइम खेलते हुए देखने को मिलेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन से चॉइस है, ब्रिज कार्लटन आपके पास है सेंटर पोजिशन से और ताइस हैरिस को मैंने रखा है क्योंकि लास्ट मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस देकर आ रही है। ये रही मेरी स्मॉल लीग की टीम और मुझे बहुत अच्छी टीम लग रही है स्मॉल लीग के लिए और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी मुझे डिसेंट सी टीम लग रही है, अच्छा इन्वेस्टमेंट टीम लग रही है, लेकिन यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड गेम है, कोई भी मैचेस में कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट रखना। फिलहाल मुझे यहाँ पर ये टीम अच्छी लग रही है। ग्रैंड लीग के लिए टीम जो सेकंड टीम है, ये टीम ये अजूम बनाई कि अलीसा थॉमस फ्लॉप हो जाएंगे, अगर अलीसा थॉमस फ्लॉप हो जाएंगे तो मरीना मेमरीज डीजे कैरिंगटन इन दोनों की तरफ से परफॉर्मेंस आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, ताइस हैरिस भी आपको परफॉर्मेंस देती हुई देखने को मिलेंगी। बाकी जो होम टीम है उसको यहाँ पर मैंने बैक किया, तो होम टीम की तरफ से कोर्टी विलियमसन को रखा है, रतीसा हेडमैन को रखा है, कोलियर और ब्रिज कार्लाटन जो यहाँ पर स्टार्टर है इनको मैंने रखा है, मतीस हैनालिन जो कि खेलेंगे बैंक से ये भी अच्छे प्लेयर है इनको भी मैंने अपनी टीम में रखा है। थर्ड टीम यहाँ पर जो बनेगी वो टीम बनेगी कि यहाँ पर अलीसा थॉमस इस मैच में भी फ्लॉप हो और सामने वाले टीम से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है बोनर आपको परफॉर्मेंस देकर दे, कैरिंगटन आपको परफॉर्मेंस देकर दे जो कि स्टार्टिंग में खेलेंगे और विक्टर बोर्टून बैन से आकर परफॉर्मेंस दे।
होम टीम में उसको फिर से यहाँ पर मैंने बैक किया, कोलिवर ब्रिज कार्लाटो कोर्टी विलियमसन इन तीनों को रखा है जो कि तीनों मेन प्लेयर है। और ये दोनों टीम जो है तो यहाँ पर ये अजूम कर बनाए होम टीम है, होम टीम आज का मैच विन करेंगी, तो उसके चलते यहाँ पर मैंने होम टीम की तरफ से अच्छे प्लेयर और इंपॉर्टेंट प्लेयर को अपने टीम में रखा है। और बाकी जो दो प्लेयर खेलेंगे वो बैन से खेलेंगे, उनकी तरफ से एक डिसेंट सा परफॉर्मेंस आने के आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। अभी ये जो तीन टीम है वो सेफ टीम है, ग्रैंड लीग खेलो या फिर स्मॉल लीग टीम खेलो। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट टीम रहेंगे, जो रिस्की ग्रैंड लीग खेलना चाहता है उनके लिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट टीम। इस टीम में यहाँ पर फोर्थ नंबर की जो टीम है इसमें आपको एक्सपेरिमेंट क्या देखने को मिलेगा, इस टीम में जो है तो यहाँ पर एक कोलियर फ्लॉप हो जाए, जो टीम अपने होम में मैच खेले और उनकी मेन प्लेयर ही फ्लॉप हो जाए, उसके चलते जो कॉम्बिनेशन बनेगा अलिसा थॉमस को आप अपनी टीम में रख रहे हो, कोलियर अगर फ्लॉप होंगे तो यहाँ पर नो डाउट इस टीम की तरफ से बाकी के प्लेयर अच्छा कर देंगे, एलिना स्मिथ कोर्टी विलियमसन हुए या फिर ब्रिज कार्लाटन हुए, इनकी तरफ से परफॉर्मेंस आएगा, अलिसा थॉमस आपको परफॉर्मेंस देकर देंगी, डेजी करिंगटन थाई सारिस फिर से यहाँ पर मैंने अपने टीम में रखा है, 3.2 शूटर दोनों भी, मतिस हाइन एलिन को रखा है, कोलियर अगर फ्लॉप होंगे तो मतिस हाइन एलिन के चांसेस रहेंगे, इनको बैन से एक डिसेंट सा टाइम मिलेगा। ये फोर्थ नंबर की टीम, फिफ्थ नंबर की टीम भी आप देख लेना, बाकी में टीम आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको फास्टली और रैपिडली दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर इतना टाइम नहीं है, वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। ये टीम भी बाकी जो फिफ्थ नंबर की टीम है वो भी मैंने आपको दिखा दी, सिक्स नंबर की टीम वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और इस टीम में जो कॉमन कॉम्बिनेशन आपके लिए रहेंगे, कोर्टी विलियमसन मरीना मेमरी इन दोनों की जगह पर और एक प्लेयर को आप अपने टीम में ऐड कर सकते हो, वो रहेंगे मैकब्रिज जो कि आप पर पॉइंट गार्ड पोजीशन के खेलेंगी, तो इस प्लेयर की जगह पर मरीना मेमरीज की जगह पर एक टीम में आप मैकब्रिज को ट्राई करके यही सेम टीम ट्राई कर सकते हो, या फिर कोर्टी विलियमसन की जगह पर मैकब्रिज ट्राई कर सेम टीम आप ट्राई कर सकते हो, थोड़े से एक दो चेंजेस करना, इन्हीं टीम में से एक ऐसी टीम रहेंगी जो कि आप पर ग्रैंड लीग विन करेंगे, डेफिनेटली आपको यही देखने को मिलेगा क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन मैंने ट्राई किए, सारे जो सिनेरियोज बनते वो ट्राई कर मैंने आपके साथ यहाँ पर सातों के सातों टीमों से यहाँ पर कर दिया, तो ये मेरे साथ ग्रैंड लीग के लिए टीम, आप चाहो तो इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। जो फर्स्ट टीम जो तीन टीम है वो सेफ है और जो फर्स्ट वाली टीम है वो स्मॉल लीग के लिए अच्छी है, तो फिलहाल ये ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के लिए कॉम्बिनेशन, बाकी जो फाइनल अपडेट मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, स्मॉल लीग के लिए फाइनल टीम जो रहेंगी वो टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, लेकिन ग्रैंड लीग की जो टीम है वो आपको वीडियो में मिलेंगी, टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे नहीं। होप गाइज यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, इफ यू हैव देन डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।